कीजिए कि उसको कैसे रेगुलेट करना चाहिए, हम उस पर जरूर रेगुलेशन इशू करेंगे। आपके प्रश्न का एक जवाब। आपका दूसरा, मेमोरी शॉर्ट है, मेके करके देंगे हम, आपका दे देंगे अगर आएगा जरूर। दूसरा साहब का जवाब था हथवे को और उसने डैन को जो खरीद लिया है उससे एलसीओ को खरीद लिया। ऐसा देखिए, इसको ये मर्जर एक्विजिशन, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी एक्वायर करना, मर्ज करना, ये टोटल बिजनेस का प्रोसेस होता है। हम रूल्स रेगुलेशंस देखते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई एक ही आदमी पूरा डोमिनेट कर ले, मोनोपोली हो जाए, ये सब हम लोग चेक करते हैं। कॉम्पिटिशन कमीशन का भी ये काम है, वो लोग भी करते हैं। रही हाथवे और डैन को अगर जियो ने खरीद लिया तो हमारे लिए जियो भी उस पर्पज से एक एमएसओ ही बन गया है, और जो एमएसओ और एलसीओ के बीच का रिलेशनशिप था, चाहे वो हाथवे के नाम से हो या जियो के नाम से हो, सेम है। आपका एग्रीमेंट तो हो रखा है, एग्रीमेंट तो कंपनी का हो रखा है। अगर उसने हाथवे को खरीद लिया है तो वो एलसीओ के साथ वैसे ही व्यवहार करेगा जैसे कि वो पहले कर रहा है, इसलिए इसमें कोई बहुत ज्यादा बल्कि एलसीओ शुड फील प्राउड कि अब आपका बड़े एमएसओ के साथ आप अटैच हो गए हैं, आपको नई नई सर्विसेज देंगे, वैल्यू एडेड सर्विसेज देंगे। आपको बेच नहीं रहा है, आप अपने उसके ऑनर हैं, आप उसके ऑनर हैं। एक मिनट, मैं आपके इस प्रश्न का मैं दे रहा हूं। अरे मैं दे रहा हूं, जो न्यूज आई और जो प्रेस नोट आई रिलायंस की, हेतवे की और डेन की, उसमें जो वैल्यूएशन हुआ है, जो उनके 8 लाख 9 लाख जो उन्होंने दिखाए मिलियन घर से है, वो एलसीओ को मिला के है, राइट? मिला के लेने के बाद जो वैल्यूएशन हुई प्रोडक्ट डील की, वो एलसीओ के नेटवर्क को पकड़ के हुई। अब तो वो बेच गया, तो उसमें से एक लाल पैसा एलसीओ के खाते में नहीं आया। मैं बोला आप मुझे ये मत बताइए कि वो ये देगा वो देगा, वो नहीं चाहिए हमें, वो आगे की बात है। पहला उसने जो हमको बेचा और जो पैसा जनरेट हुआ, उसमें से पहला एलसीओ का पैसा एलसीओ को ट्रांसफर हो जाए, तब ये होगा कि एलसीओ के खाते में आने के बाद एलसीओ अपना नेटवर्क अपग्रेडेशन करेगा। मेरा सवाल ये है, ये प्रश्न जो है, तो आप क्या कर रहे हो, सवाल को घुमाओ जी, नहीं कह रहे हो। अगर आपको यही बात करनी है तो हम सारे निषेध करके खड़े हो जाते हैं। जो प्रणब साहब ने बात की दो बात आपके लिए, जय महाराज जी, हम निकल जाते हैं यहाँ से। मैं आपके जवाब का, जय हिंद जय महाराज जी, मीटिंग जरूरी। मैं आपके प्रश्न का सीधा जवाब दे देता हूँ। आप सीधा जवाब दे ही नहीं रहे हो, आप घुमा रहे हो। ये बम्बई वाला आदमी, इधर घूमेंगे नहीं हम, ये धंधे में 35-40 साल निकाले हमने सर, बात कले करके बैठे हम लोग। ये आप घुमा मत, आप घुमा रहे हो, कोई सवाल का बराबर जवाब नहीं दे रहे हो। जय हिंद।